बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है, जिंदगी बहुत कीमती है इसे संभाल के रख, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आज बताया कि दिनांक 23 मई को जिला चिकित्सालय मुगेली लाते समय श्रमिक पुनित टंडन पिता श्री लोचन टंडन उम्र 26 वर्ष की मृत्यु हो गई। विदित हो कि मृतक पुनित टंडन दिनांक 10 मई को हैदराबाद से अपने निवास ग्राम छीतापुर विकास खंड मुगेली आया था, जिसे शासन के नियमानुसार ग्राम के प्राथमिक शाला छीतापुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। दिनांक 22 मई को शाम 7 बजे बुखार आया, जिस पर गाँव की मितानिन द्वारा पैरासिटामॉल दिया गया था। मृतक पुनित टंडन बोल पाने में अक्षम था तथा इशारे से बात करता था। रात्रि में मृतक को उल्टी होने पर इसकी सूचना ANM को मिलते ही ANM व ग्राम सचिव के द्वारा मृतक को तत्काल रात्रि 9 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरभट्टा ले जाया गया, जहां उसे पैरासिटामॉल ORS ओंडेस्टेरॉन टेबलेट व मेट्रोनिडाजोल टेबलेट दिया गया था। आधे घंटे बाद स्थिति सामान्य होने पर मृतक को ग्राम सचिव के द्वारा वापस छीतापुर क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। दिनांक 23 मई को प्रातः 10 बजे ANM के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में विजिट कर मृतक का हालचाल पूछा गया था, जिस पर मृतक के द्वारा इशारे से 2 बार उल्टी व 2 बार तस्त होना बताया गया। मरीज के हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल ले जाने हेतु ANM के द्वारा एम्बुलेंस बुलाया गया, जिस पर तत्काल सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस रवाना किया गया। किंतु एम्बुलेंस आने के पूर्व ही ग्राम सचिव के द्वारा स्थानीय व्यवस्था करते हुए मृतक को ऑटो में बिठाकर जिला अस्पताल मुगेली लाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जिला चिकित्सालय मुगेली में मृतक का RD किट से कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उसका कोरोना टेस्ट किए जाने हेतु RT-PCR सैंपल लेकर मेकाहारा रायपुर भेजा गया है। कलेक्टर जिला मुगेली के निर्देशानुसार रिपोर्ट आने तक मृतक का शव सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर के शीत शव गृह भेजा गया है। छीतापुर से एक डेड बॉडी आई थी हमारे यहाँ सवेरे, है ना, और उसकी किन कारणों से डेथ हुई है ये तो अब PM के बाद ही पता लगेगा। नहीं, उनके परिजन साथ में आए थे, उनके पिताजी आया हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पर हैं मैं नहीं बता सकता, आए जरूर थे। नहीं, कारण जो है PM के बाद ही पता लगेगा। कोरोना का भी संक्रमण काल चल रहा है, तो इसमें लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि जो भी डेथ होती है कोरोना से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग है और अपने घर में रहें वो सब करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मास्क का उपयोग करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, इन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, यहाँ संदिग्ध नहीं आए जो क्वारंटाइन में हैं, उनको कुछ क्वारंटाइन इसलिए रखा गया है कि बाहर से आए हुए हैं, तो उनको बचाव के लिए ही उनके रखा गया है। सबके टेस्ट हो रहा है और निगेटिव ही टेस्ट आ रहे हैं, उनको रखा गया है ताकि 14 दिन का जो उसका पीरियड है वो पीरियड पार हो जाए तो अपने घर में जाएँ खुश। अभी ये 2 या 3 है मेरे ख्याल से पॉजिटिव, ज़्यादा नहीं है। नहीं, बाहर से आ रहे हैं, उनकी हम जो है वहाँ पर जाँच हो रही है, जैसे रेलवे स्टेशन में जाँच हो रही है, उसके बाद आके उनका गांव में जांच करा रहे हैं, फिर सरपंच लोग उनको जो है वहाँ पे जो गांव में पंचायत या स्कूल है वहाँ क्वारंटाइन बनाए हैं, वहाँ पे रखा जा रहा है, उनको उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मुगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रामझाझर।